हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, उसकी एक्सरसाइज 5.6, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें जो है ट्राइंगल के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो हमें इस क्वेश्चन में बताने हैं। हमने इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझा था, मैंने आपको बताया था जो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अगर आप मेजर करो तो सेम है तो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और अगर उस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल्स हैं, दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है, तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिस ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स इक्वल नहीं है उसको हम बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ आप देख लेते हैं ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ 7, 8 एंड 9। अब तीनों साइड्स देख लो इसकी इक्वल नहीं है तो ये कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा स्केलिन ट्राइंगल आप लिख देंगे इसके आगे। उसके बाद हम अगर सेकंड देखें तो है हमारा ए बी 8.7, ए सी 7 और बी सी 6। तो इसमें भी आप देखो कि आपको ये जो तीनों साइड्स है ए बी, ए सी और बी सी, तीनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये ट्राइंगल हमारा जो है वो किस में आएगा, ये भी हमारा स्केलिन ट्राइंगल में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लिख दोगे स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ देखें पी क्यू क्यू आर पी आर, यानी कि तीनों ही साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल में आ जाएगा। साथ में आप ट्राइंगल लिखना, यहाँ पे हमें बताया गया एक ट्राइंगल है डी ई एफ जिसकी एक साइड जो मतलब एक जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है, डी ई एफ, और एंगल कौन सा दे रखा है हमें 90 डिग्री। और तो जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है वो कौन सा होता है हमारा, राइट एंगल, यानी कि वो इस टाइप से बना होगा बिल्कुल ये स्ट्रेट ऐसे और इस टाइप से, ये ऐसा एंगल होगा जो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, या फिर इस साइड भी बन सकता है वो हमारा 90 डिग्री इस तरफ भी। तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, साथ में हम लिखेंगे ट्राइंगल। उसके बाद हमें जो दे रखा है ट्राइंगल एक्स वाई जेड जिसमें हमारा वाई 90 है और एक्स वाई और वाई जेडी वाई जेड इक्वल है, यानी कि दो साइड इक्वल हैं और जो तीसरी साइड है वो हमें 90 डिग्री दे रखी है, यानी कि इसी तरीके से होगा वो, ठीक है। यानी कि हमारी दो साइड इक्वल है और तीसरी साइड हमारी 90 डिग्री है, तो उसमें जो हमारा होगा 90 डिग्री भी होगा और वो हमारा आइसोसेलेस भी होगा। तो उसमें हम लिखेंगे आइसो सेलेस राइट एंगल, राइट एंगल, उसके बाद हम इसके आगे लिखेंगे ट्राइंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल आपने इसके आगे लिखना है। यहाँ पे 30 डिग्री है, एल एम एन एक ट्राइंगल है जिसमें एक जो एंगल 30 है, दूसरा 70 है, तीसरा 80 है, यानी कि तीनों एंगल्स जो है वो क्या है, अलग अलग हैं। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल। लेकिन आप देखो तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम है तो ये हमारा जो क्या होगा, एक्यूट होगा। स्केलिन ट्राइंगल तो है क्योंकि 90 डिग्री से कम है तो इसलिए ये हमारा एक्यूट भी होगा, स्केलिन ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे ट्राइंगल नहीं लिखा वहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग हैं इसलिए स्केलिन ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा आइसोसेलेस होता है, ऑल साइड आर डिफरेंट स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड एक्यूट एंगल होती हैं वो हमारा एक्यूट एंगल ही होता है, और जिसकी वन राइट एंगल होती है वो हमारा राइट एंगल भी होता है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसका वन ऑब्ट्यूज होता है वो हमारा ऑब्ट्यूज ही होता है, और जिसकी एक साइड राइट एंगल होती है, दो साइड इक्वल होती है, वो होता है हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि उसकी दो साइड इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस राइट एंगल है 90 डिग्री का, इसलिए वो राइट एंगल भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें इनके नेम बताने हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फर्स्ट है हमारा, इसमें हमारी तीनों साइड्स क्या हैं, डिफरेंट है, नहीं इसमें हमारी दो साइड सेम है, फाइव फाइव है ना, एक हमारी डिफरेंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसके आगे हम लिखेंगे
लिखा है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज टू डिफरेंट वे, दो तरीके से लिखना है। यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, देख के ही आपने इसको बताना है। तो एक तो ये आइसोसेलस है, क्यों आइसोसेलस है, क्योंकि इसकी टू साइड जो है वो इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आइसोसेलस ट्राइंगल। लेकिन उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जो ये जो एंगल्स बने हुए हैं ये हमारे जो है 90 डिग्री से कम हैं, तो इसलिए ये जो है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा देख के कि 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये हमारा एक्यूट एंगल भी है। ठीक है, इधर देखें तो तीनों ही क्या हैं हमारे, अलग अलग है, लेकिन इसमें एक क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, लेकिन अगर इसकी साइड्स देखें तो वो अलग है। तो हम साइड्स के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे स्केलिन ट्राइंगल, कि इसकी जो साइड्स हैं वो अलग हैं, यानी कि ये स्केलिन ट्राइंगल तो है लेकिन उसके साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी इसकी टू साइड इक्वल है, ये हमारी थर्ड इसके साथ इक्वल नहीं है, तो जब टू साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन ये देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो ये वाला एंगल हम देखें तो ये 90 डिग्री हमारा यहाँ बनता है ना ऐसे सीधा, ये 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे भी आपने लिखना है ट्राइंगल। यहाँ पे देखें तो ये भी 90 डिग्री का, दो साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, तो ये हमारा दो साइड इक्वल है, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें देखो, तो ये आइसोसेलेस तो है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके साथ राइट एंगल भी है क्योंकि 90 डिग्री का भी बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स ये हमारा इक्विलेटर है, लेकिन सारी साइड्स जो है 90 डिग्री से कम है, तो एक्यूट एंगल भी होगा, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, तो आएगा ट्राइंगल, उसके साथ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें भी देखो तीनों साइड्स अलग हैं, तो स्केलिन होगा ये, क्योंकि तीनों साइड्स ही अलग हैं, और आप देखो ये जो सॉरी जो एंगल बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज होगा। तो पहले तो हम यही लिखेंगे इसके अंदर कि ये हमारा जो है वो स्केलिन है। ठीक है, ये स्केलिन ट्राइंगल है, ट्राइंगल आप नीचे लिख लेना, और साथ में ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी है ये। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा, आप देख लो सारे अलग हैं, ये आइसोसेलेस है, उसके साथ एक्यूट है, ये स्केलिन है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, ऑब्ट्यूज है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, इक्विलेटर है, और साथ में एक्यूट है, ये स्केलिन है और ऑब्ट्यूज है साथ में। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हमें कुछ मैस्टिक्स दे रखी हैं, जैसे कि आपके पास 3 मैस्टिक्स हों, 4 हो 5 हो 6 हो, तो 3 मैस्टिक्स से आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, आप ऐसे करके 3 मैस्टिक्स लगाओगे एक आपका ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन 4 से आप नहीं बना सकते है ना, तो 3 से आप बना सकते हो, तो यस बना सकते हो, कौन सा बना सकते हैं हम, इक्विलेटर, जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो इक्विलेटर ट्राइंगल जो है वो हमारा बन जाएगा 3 मैस्टिक्स से, तो इक्विलेटर ट्राइंगल यस आ जाएगा, 4 से हम नहीं बना सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। 5 से हम बना सकते हैं, जैसे कि आप 5 से कैसे बनाओगे, आप यहाँ पर जो है 1 2 3 4, 2 4 हो गए, 1 नीचे लगा दो मैस्टिक, तो 5 से आपका बन जाएगा, तो 5 से आपका बन जाएगा यस, लेकिन कौन सा बनेगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो यस हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसो स्केलेस ट्राइंगल आप लिख लेना। 6 मैस्टिक्स से क्या बनेगा आपका, देखो 1 2 इधर लगा दो, 1 2 इधर और 1 2 इधर, तो तीनों साइड जो हमारी इक्वल हो जाएंगी, तो ये भी यस हो जाएगा एन और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है,